हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ कॉमर्स की पाठशाला में, और आई होप कि आपके एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि होने वाला है डिपॉजिटर्स कंसर्न एंड एनबीएफसी रेगुलेशन। तो ऐसे कौन कौन से एनबीएफसी रेगुलेशन है जिनका असर एनबीएफसी डिपॉजिटर्स के ऊपर पड़ता है, और इन सब के कारण उनको कैसी कैसी कंसर्न होती है, इसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। बट उससे पहले मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल के मेंबरशिप प्लान को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस बेल आइकन को दबाना है, हालांकि ये तो ऐसे भी फ्री है। इसके अलावा आप जब ज्वाइन वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ तीन ऑप्शंस खुलेंगे, इग्नू, बीकॉम, एमकॉम और एनसीईआरटी 11-12। तो इग्नू बीकॉम के ऑप्शन में आपको जाना है, यहाँ पे एक ज्वाइन का बटन आपको दिख रहा होगा, इसको क्लिक करने के बाद एक ये जो नॉमिनल सा फी है 190 रुपीज का, ये आपको पेमेंट करना है। इसको करने के बाद यहाँ पे मोर अबाउट बॉक्स में जाकर के ये जो व्हाट्सएप का ग्रुप है आपको इसे ज्वाइन कर लेना है, जो कि एक्सक्लूसिवली बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है। ठीक है, इसके इस यू नो मेंबरशिप प्लान को लेने के फायदे क्या क्या है, क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलेंगी। आपको सबसे पहली बात तो असाइनमेंट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, 1 रुपए भी आपको असाइनमेंट्स के लिए पेमेंट नहीं करना होगा। आपको लो कॉस्ट यू नो नोट्स मिल जाएंगे 40% डिस्काउंट के साथ, साथ ही साथ आपको 24/7 सपोर्ट मिलेगा व्हाट्सएप का, जो कि हमारी तरफ से दिया जाता है जब तक आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता। सो इट्स अ काइंड ऑफ ट्यूशन, यू आर लाइक ट्यूशनिंग विद मी इन माय वो व्हाट्सएप ग्रुप। वहाँ पे मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा, एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको हर एक चीजें दूंगा, एडमिशन, एग्जामिनेशन, फॉर्म फिलअप, असाइनमेंट, ईच एंड एवरीथिंग यू विल बी प्रोवाइडेड ओवर देयर। एंड इट्स जस्ट लाइक ट्यूशन। तो जैसे कि आपको पता है कि ट्यूशन में 1000 रुपए तक का पेमेंट पेमेंट जो है पे करना पड़ता है, समटाइम उससे ज्यादा भी होता है, तो आपको वो सब करने की जरूरत नहीं है, सस्ते दामों पे आपको सारी चीजें अवेलेबल हो जाएंगी। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस चीज को ले लें। अगर नहीं भी लेते हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि वीडियोज में ऑलरेडी बना रहा हूँ, तो वीडियोज देख करके भी आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, तो लाइक इट्स नॉट नेसेसरी। तो आप जब भी स्टडी करें हमारे चैनल पे आए, बीकॉम न्यू वाले सेक्शन पे आए, यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर की, जिनके अंदर ढेर सारे वीडियोस हैं जिनको देख करके आप एग्जामिनेशन में बहुत ही अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि है डिपॉजिटर्स कंसर्न एंड एनबीएफसी रेगुलेशंस। इसका कलर मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, ये हमारा टॉपिक है, ठीक है, और पढ़ाता हूँ ग्रीन से। चलो फिर, सबसे पहला जो उनका कंसर्न होता है या फिर रेगुलेशन जो होता है वो कि ये कहता है कि एनबीएफसीज आर अलाउड टू एक्सेप्ट पब्लिक डिपॉजिट फॉर मिनिमम ऑफ 12 मंथ्स एंड मैक्सिमम पीरियड ऑफ 60 मंथ, दे कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट रीपेबल इन डिमांड। एनबीएफसीज जो होती हैं, पहला बात तो वो डिमांड डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं कर सकती, मतलब सेविंग्स बैंक अकाउंट और करंट अकाउंट नहीं खोल सकती हैं, लेकिन वो पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती हैं, लेकिन वो डिपॉजिट की जो टाइमिंग होगी, जो टेन्योर होगा, वो 12 महीने से ज्यादा नहीं हो सकता, 12 महीने का नहीं, सॉरी गलत बोल रहा हूँ, कम से कम 12 महीने का होना चाहिए, और मैक्सिमम जो है 60 महीने का हो सकता है, मतलब 5 साल के लिए हो सकता है, मिनिमम 1 साल के लिए, मैक्सिमम 5 साल के लिए। इट्स अ काइंड ऑफ रिकरिंग डिपॉजिट, नो नो टर्म डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट का आपने नाम सुना होगा, जो कि बैंक्स में होता है, जहां पे आप एक फिक्स टर्म के लिए अपने पैसे जो है जमा करवाते हो, है ना? सो इट्स अ काइंड ऑफ दैट थिंग, ठीक है? तो एनबीएफसी को एक तरीके से अलाउ किया गया है कि वो पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है फॉर अ मिनिमम ऑफ 12 मंथ्स एंड मैक्सिमम 60 मंथ, व्हिच इज इक्वल टू 5 मंथ्स, आई मीन 5 इयर्स। दे कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट रीपेबल इन डिमांड। अब वो लोग वो ऐसे पेमेंट पैसे नहीं ले सकते जिनको उनको वापस करना होगा, जिनको उनको रीपेबल करना है डिमांड आने पे, ऐसे पैसे वो लोग नहीं ले सकते, जो मैं आपको बता रहा था करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट का, है ना? तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। दूसरा पॉइंट है, एनबीएफसीज कैन नॉट ऑफर इंटरेस्ट रेट हायर देन द सीलिंग रेट prescribed by the RBI from time to time. The present ceiling is 12.5% per annum. The interest may be compounded at rates not shorter than monthly rates. है ना? तो जो एनबीएफसी होती है वो अपना रेट्स बहुत ज्यादा हायर करके नहीं रख सकती है। आरबीआई जो भी रेट्स आपको बताएगी, एनबीएफसी को उसी रेट के अकॉर्डिंग जो है अपना रेट रखना होगा। जो सीलिंग रहेगा, जैसे 12.5% का सीलिंग है, तो आप उससे ज्यादा इंटरेस्ट किसी को ऑफर नहीं कर सकते। आपको 8%, 9%, 12.5% हाईएस्ट जो आप जो है ऑफर कर सकते हो अपने कस्टमर्स को, ठीक है ना? ये जो इंटरेस्ट होता है वो कंपाउंडेड रहता है एट रेट्स नॉट शॉर्टर देन मंथली रेट्स, मंथली बेसिस पे जो है ये कंपाउंडेड होता है, ठीक है ना? तो ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है, एनबीएफसीज कैन नॉट ऑफर गिफ्ट्स, इंसेंटिव्स और एनी अदर एडिशनल बेनिफिट टू द डिपॉजिटर्स। जो डिपॉजिटर होगा, जो आपके बैंक में पैसे आएगा डिमांड जमा करने, बैंक में नहीं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आप बोल सकते हो, कॉर्पोरेशंस बोल सकते हो, जो भी बोल लो, तो वहां पे जो भी डिपॉजिट्स, जो भी डिपॉजिटर आपके पास आएगा, आप उसको गिफ्ट या फिर इंसेंटिव आप ऑफर नहीं कर सकते हो, ये आपको रूल बुक में नहीं बताया गया, ठीक है? अगला पॉइंट है, एनबीएफसीज एक्सेप्ट सर्टेन एएफसीज, अलग होती है, शुड हैव मिनिमम इन्वेस्टमेंट ग्रेड क्रेडिट रेटिंग एंड अनरेटेड एनबीएफसी कैन नॉट एक्सेप्ट पब्लिक डिपॉजिट्स, है ना?
तो जिनका रेटिंग भाई है, जिनको रेट किया गया ऑलरेडी, सिर्फ वही जो है पब्लिक डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट कर सकती हैं। सबके बस की बात नहीं है भाई, सबको ये अलाउ नहीं किया जाता कि वो लोग जो है पब्लिक डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करें। तो रेटिंग कौन कौन सी एजेंसीज हैं जो कि रेट करती हैं? तो रेटिंग एजेंसीज आर क्रिजिल, केयर, इकरा एंड फिच। इफ रेटिंग ऑफ द एनबीएफसीज इज डाउनग्रेडेड टू बिलो मिनिमम ग्रेड रेटिंग, इट हैज टू स्टॉप एक्सेप्टिंग पब्लिक डिपॉजिट एंड द रिपोर्ट टू बी सेंड टू द आरबीआई विद इन 15 डेज। तो सपोज कोई एनबीएफसी है जिसकी रेटिंग जो है इन पांचों महाशयों ने, चारों महाशयों ने एक तरीके से घटा दी, उनका जो है डाउनग्रेड कर दिया गया उनके रेटिंग को, तो उस केस में वो किसी भी तरह का पब्लिक डिपॉजिट वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। और ये रिपोर्ट जो है, जो उनको डाउनग्रेड किया गया, क्यों डाउनग्रेड किया गया, सारे रीजन के साथ आपको आरबीआई से जो है मिलना होगा विद इन 15 डेज। आरबीआई को रिपोर्ट देना होगा विद इन 15 डेज आपको देना होता है, ठीक है ना। सो दीज आर द रेगुलेशंस आई एम टॉकिंग अबाउट, फोर रेगुलेशंस आई हैव बीन टॉक्ड। नाउ द फिफ्थ वन इज द डिपॉजिट विद एनबीएफसीज आर नॉट इंश्योर्ड। पहले भी बता चुका हूं मैं कि जो आप पैसे डिपॉजिट एनबीएफसी में करते हो वो पैसे इंश्योर्ड नहीं होते। पैसे जो बैंक में जमा करते हो वो पैसे इंश्योर्ड होते हैं, कुछ अगर हो जाए तो ऐसा नहीं है कि आपका लॉस हो जाएगा। हालांकि अभी 5 लाख तक का ही मिल रहा है लेकिन फिर भी इंश्योर्ड है। एनबीएफसी में जो आप जमा कर रहे हो वो पैसे आपको मिलेंगे नहीं मिलेंगे, कब मिलेंगे कुछ पता नहीं रहता, क्योंकि वो इंश्योर्ड नहीं होते हैं, ठीक ना। The repayment of deposits by NBFCs is not guaranteed by the RBI. देखो, तो कोई अपने पैसे NBFC में जाकर के क्यों रखेगा, बताओ, है ना? तो जो repayment होना चाहिए NBFC की तरफ से, वो guaranteed नहीं है कि RBI की तरफ से कि भाई NBFC को करना ही है। अगर किसी तरह का फ्रॉड, किसी तरह की कोई दिक्कत होती है तो NBFC हम हाथ खड़ा कर देगा, क्योंकि बोलेगा कि RBI ने मुझे गारंटी नहीं दिया था, RBI ने बोला जरूरी नहीं है करना तो उसने नहीं किया, है ना। वो सारा दोष जो RBI पे डाल देगा, बट भाई उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना, पैसा जब वो ले रहा है तो देना उसका काम है ना। बट फिर भी ये इंश्योर्ड नहीं होता, एनबीएफसी में पैसा मत रखना। रीपेमेंट जो है एनबीएफसी की तरफ से वो गारंटीड नहीं होती आरबीआई के द्वारा। चलते हैं आगे अगले अगले रेगुलेशन की तरफ, जो कि है देयर आर सर्टेन मैंडेटरी डिस्क्लोजर अबाउट द कंपनी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इशूड बाय द कंपनी सॉलिसिटिंग डिपॉजिटर्स। तो कुछ मैंडेटरी डिस्क्लोजर्स होते हैं जो कि कंपनी को अपने एप्लीकेशन फॉर्म में बताने होते हैं। जो भी उनको एप्लीकेशन फॉर्म दिया जाता है उसमें उनको ये बताना इंपॉर्टेंट होता है, जो भी इंपॉर्टेंट यू नो मैंडेटरी जो डिस्क्लोजर्स होंगे। जैसे कि सपोज पूछा कि आपकी टोटल वेल्थ कितनी है, कितने कंपनी का कितने अमाउंट जो है आपके पास जमा होकर के रखे हुए, कितना आपने लोन दिया वगैरह वगैरह, एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन जो भी वहां पे एप्लीकेशन फॉर्म में आपसे पूछा जाएगा, मैंडेटरी डिस्क्लोजर वो आपको वहां पे करना जरूरी हो जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट है इफ अ कंपनी डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट, अगर कोई कंपनी अपने डिपॉजिट करने में डिफॉल्ट हो जाती है, मतलब नहीं कर पाती है, तो क्या होगा? द डिपॉजिटर कैन अप्रोच कंपनी लॉ बोर्ड और कंज्यूमर फोरम और फाइल अ सिविल सूट टू रिकवर द डिपॉजिट। तो उस केस में जो कंपनी है, जो एनबीएफसी है, वो एक तरीके से यू नो कंज्यूमर फोरम में जाकर के या कंपनी लॉ बोर्ड में जाकर के केस फाइल कर सकती है आपके खिलाफ, या एक सिविल सूट फाइल कर सकती है ताकि आप जो पैसे नहीं दे पा रहे हो, नहीं दे रहे हो, वो पैसे आपसे निकाले जा सके, है ना। तो ये एक तरीके से अधिकार उनके पास होता है। In case of complaint against NBFC, the depositor can mail an application in prescribed form to the appropriate bench of the company law board according to its territorial jurisdiction with the prescribed fee. तो आप अगर कंप्लेन करना चाहें एनबीएफसी के खिलाफ तो वो भी पॉसिबल है। एक डिपॉजिटर को करना कुछ नहीं है, सिर्फ एक सिंपल सा मेल लिखना है कंपनी लॉ बोर्ड को, जो कि उनके टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन में होना चाहिए। सपोज आप मुंबई में रहते हो तो आपका टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन मुंबई पड़ रहा है, तो आपको मुंबई के अंदर जितने भी केसेस होंगे उनके ऊपर जो भी कंप्लेन करना होगा वो वहां के केसेस देखेंगे। तो आपको वहां पे उनको मेल करना है विद द प्रेस्क्राइब्ड फी। एक फी लिया जाता है, जैसे एग्जामिनेशन के लिए हम लोग फी पेमेंट करते हैं ना, वैसे ही इसके लिए भी फी लिया जाता है। तो वो फी पेमेंट करके और जो बाकी की डिटेल्स हैं वो सारी डाल करके आप चाहो तो कंप्लेन कर सकते हो किसी भी एनबीएफसी के खिलाफ, ठीक है। सो दीज आर द डिपॉजिटर्स कंसर्न एंड रेगुलेशन दैट आई हैव टॉक्ड अबाउट। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें, बाय बाय, थैंक यू।